हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एंड लैब असिस्टेंट। तो इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहां देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट कैल्शियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारा जो मांसपेशियों का संकुचन है उसमें इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल है उसे ट्रिगर करता है। ये बाइंड होता है टू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है ट्रोपोनिन से ये जुड़ के, और जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है एक्टिन की उसको एक्सपोज करता है, और एटीपी इससे अटैच हो जाता है मायोसिन से, और क्रॉस ब्रिज साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन की। सो ये जो है बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन ऑफ मायोसिन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें यहाँ पे दो कॉलम दे उनमें से हमें इनकरेक्ट जो है मैच फाइंड करना है, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला है लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये डिप्लोटीन बायोलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बिल्कुल सही है। एलोसोम्स जो है वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स जो डिटरमाइन करते हैं जेंडर। और नेक्स्ट है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स ऊ साइट ऑफ एम्फीबियंस। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो है ये एम्फीबियन के ऊ साइट्स में नहीं पाए जाते हैं, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। इंसेक्ट्स के उनमें पाया जाता है, यानी पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। एंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट मैच है, पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड ऊ साइट ऑफ एम्फीबियंस नहीं है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स में है। नेक्स्ट है, नीजल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। नीजल बॉडी जो है मेनली किससे बनी होती है? तो नीजल बॉडी जो है वो न्यूरॉन का जो सोमा पार्ट है उसमें पाया जाता है, या फिर सेल बॉडी जो है न्यूरॉन की उसमें पाया जाता है ये। सो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है एंड फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो फ्री राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पाया जाता है नीजल ग्रैन्यूल्स में। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? पहला है एंजाइम ऑफ टी सी ए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। जो टी सी ए साइकिल के एंजाइम्स जो हैं वो माइट्रोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसोल, ये भी जो है सही है कि साइटोसोल में जो है ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइट्रोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन, तो ये जो है गलत है, वो आउटर में नहीं होती है, इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहाँ होती है ये। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद एनएडी दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स, जो कि कन्वर्ट हो जाता है एनएडीएच में, तो ये वाला इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन होता है इनर लेयर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द इवेंट ऑफ फॉलोइंग इवेंट डजंट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है? तो प्रोटीन फोल्डिंग होती है उसमें, उसके अलावा उसमें जो है प्रोटीन ग्लाइकोसलेशन होता है एंड क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड भी जो है उसमें होता है, लेकिन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस जो है वो रफ ईआर में नहीं होता है,
फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, यानी SER में होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड सिंथेसिस के लिए फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस होता है, और स्मूथ ER जो है लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, एंड रफ ER प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है, मैनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम आर फॉर्म्ड एज। ऐसे जो राइबोसोम है वो पॉलीसोम्स होते हैं, जो कि मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स की, उनको हम पॉलीसोम्स कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है mRNA मॉलिक्यूल का, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो राइबोसोम हैं वो ट्रांसलेट करते हैं mRNA को, और फिर पॉलीपेप्टाइड्स में उसे जो है कन्वर्ट कर देते हैं mRNA को, तो उसे हम पॉलीसोम कहेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेंटिशन, तो हम लोगों का जो दांत है, हम क्या है, थीकोडॉन टीथ आर प्रेजेंट इन स्कॉट सॉकेट्स ऑफ जॉ, बोन कॉल एल्वियोलाई, तो हमारे दांत जो है वो एक तो थीकोडॉन टाइप के हैं, डाइफोडोंट एंड हेट्रोडोंट है, अलग अलग तरीके दांत जो है पाए जाते हैं, और डाइफोडोंट जो है टीथ वो दो बार उगते हैं, एक तो टेम्प्रेरी जो मिल्क, मतलब हमारे दांत जो है दो बार आते हैं, एक तो पहले फर्स्ट 7 ईयर्स तक जो टीथ रहते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ, वो टूटने के बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं हमारे दोबारा, और वो टूटने के बाद कोई दांत नहीं आते हैं, और उनको हम जो है एडल्ट टीथ या फिर परमानेंट टीथ कहते हैं। और हेट्रोडोंट जो है उसमें हमारे डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, जैसे इंसीजर है, केनाइंस है, प्री मोलर है एंड मोलर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें से कौन से एनिमल में जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजर्ड नाम के जो है ऑर्गन्स जो है पाए जाते हैं, तो जो एव्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनमें पाया जाता है, उनमें एडिशनल चैम्बर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको हम क्रॉप एंड गिजर्ड कहते हैं। क्रॉप जो है उसमें स्टोरेज होता है फूड ग्रेन का, और गिजर्ड जो है वो एक मेस्टिक टरी ऑर्गन है बर्ड्स में, जो कि फूड जो ग्रेन है उसको क्रश करने में काम करता है गिजर्ड, और क्रॉप में वो जो फूड स्टोर होके एक रह जाता है, क्योंकि जो चिड़िया जो है, जो एव्स हैं, वो एक साथ ही सारे दाने इकट्ठे कर लेते हैं, तो वो जाके उनके जो क्रॉप है उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, और जो गिजर्ड है उनको ग्राइंड करने का, उनको क्रश करने का काम करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज़ नॉट अ होम्योथर्मल, इनमें से कौन सा एनिमल जो है होम्योथर्मल नहीं है, तो इसमें से जो है केलियन है वो एक होम्योथर्मल एनिमल नहीं है। मोस्टली जो मैमल्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं और बाकी के उसके अलावा जो भी मैमल्स हैं और मोस्ट बर्ड्स जो हैं वो सारे होम्योथर्मल्स होते हैं, और जबकि फिश, इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस जो हैं वो पोक्यूरियोथर्मल रहते हैं, यानी वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। सो ये जो है साइंटिफिक नेम है किसका, टर्टल का, और ये रेप्टिलिया क्लास को बिलोंग करता है, इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड या फिर पोक्यूरियोथर्मल एनिमल है, और बाकी के जो हैं होम्योथर्मल या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच, तो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच वैसे देखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सिर्फ एक जो स्ट्रक्चर रहता है उनका वो उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि उनमें जो है मेल कौन सा है, तो जो कॉडल स्टाइल्स रहती हैं
ये जो मेल है यहाँ, इसके जो है कॉडल स्टाइल्स प्रेजेंट रहेंगी, इसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स होती हैं जो एब्सेंट होती है फीमेल्स में, पर ये प्रेजेंट रहेंगी किसमें, मेल में। जो 9th एब्डोमिनल सेगमेंट है मेल कॉकरोच का, वहाँ से ये निकलती हैं। तो कॉडल स्टाइल से जो है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये एक मेल फीमेल है, ये मेल कॉकरोच है या फिर फीमेल कॉकरोच है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। इनमें से कौन सा जो है चीफ प्रोड्यूसर है ओशंस में। तो डाई एटम्स जो हैं दे आर एल्गीज एंड दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। सो ये जो ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट है, सीलिएटेड सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स। जो सीलिएट्स हैं वो बाकी सारे प्रोटोजोअन से कैसे डिफरेंट हैं। तो सीलिएट्स में क्या होता है कि दो जो है न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे पैरामीशियम है तो उसमें दो टाइप के न्यूक्लियाई रहेंगे, एक है मैक्रो न्यूक्लियस और एक रहेगा माइक्रो न्यूक्लियस। तो सीलिएट्स जो हैं उनमें दो न्यूक्लियस रहते हैं, हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। इसकी वजह से ये बाकी के प्रोटोजोअन से डिफरेंट रहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डजन अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। इनमें से कौन सा जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है। तो अर्थवर्म जो है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि लार्वा से एडल्ट में चेंज होना। ये एक तरह का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सो मेटामॉर्फोसिस में जो इंसेक्ट है वो ट्रांसफॉर्म होता है एक मैगट से एडल्ट में। जैसे फ्लाई है, जो फ्लाइज रहती हैं उनमें मैगट बनता है और फिर उसके बाद वो फ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, मक्खियों में कन्वर्ट हो जाती है। कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है और एम्फीबियंस में जो टेडपोल्स हैं वो फ्रॉग में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अर्थवॉर्म में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, उसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। बाकी सब में जो है मेटामॉर्फोसिस होता है। नेक्स्ट हमें दो कॉलम दे रखे हैं और हमें उसको जो है मैच करना है। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो होता है प्रॉक्सिमल मेलफिजिन, जो कॉर्पसल्स हैं उनमें होता है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो होता है ब्लड और जो फिल्ट्रेट है ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, जो बोमेन कैप्सूल में, उसके उसके थ्रू जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विल अकर इन मेलफिजिन कैप्सूल्स। कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है जो हेनले का लूप है, हेनलेज लूप में यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू जो एक्स्ट्रा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और उससे क्या होता है कि हेनले के लूप तक जाते जाते कंसनट्रेशन जो है वो यूरिन की बढ़ जाती है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, सो यूरिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, किडनी से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेटर से बाहर। एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन जो है वो यूरेटर से होगा, किडनी से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेटर के थ्रू जो है बाहर। एंड देन स्टोरेज जो है यूरिन का वो होता है यूरिनरी ब्लैडर में। सो ए का जो है वो हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ है। एंड कंसनट्रेशन जो है हेनले के लूप में, बी का फर्स्ट। एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन थ्रू यूरेटर, सी का सेकेंड। इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन जो है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट हमें एक दो कॉलम फिर से दे रखे हैं और हमें इनको मैच करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। फर्स्ट है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया जो है वो होता है ग्लूकोज का यूरिन में प्रेजेंट होना। अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइको सूर्या कहते हैं उसे हम।
प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। एंड गाउट जो है एक तरह का आर्थराइटिस होता है जिसमें यूरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, उसके क्रिस्टल जो है जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, उसे गाउट कहा जाता है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। देन रीनल कैलकुली, रीनल कैलकुली जो है वो एक उसमें कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और ये होता है जो किडनी है उसमें फॉर्म हो जाती है ये। सो ये है मासेस ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी। एंड ग्लोमेरुलस नेफ्रेटाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई जो है उसकी सूजन जो है उसे ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलर नेफ्रेटाइटिस कहते हैं। तो इसका जो है हो जाएगा थर्ड, सही हो जाएगा इसका, ए का फोर्थ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन। एनएडी प्लस का जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या रोल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह एक्ट करता है, इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद अ स्पीशीज ऑफ मॉथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। तो ये एक तरह का ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है जिसमें एक के बिना दूसरी की जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट नहीं हो रही है। जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर पाता है उसे ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म कहते हैं, और यूका जो है वो एक ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करता है विथ अ स्पीशीज ऑफ मोथ, दैट इज़ जो मोथ की स्पीशीज है प्रोनुबा, इसके साथ जो है ये यूका जो है शो करता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस की जाती है बाय द प्लांट्स, तो इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे जो है एल्गी हैं, और इनमें से कौन सी जो है एल्गी वो प्रोड्यूस नहीं करती है ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि ये H2O जो है वाटर यूज़ नहीं करते हैं, दे डू नॉट यूज़ H2O एज सोर्स ऑफ प्रोटोन, देयरफॉर ये जो है ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज़ आयरन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। इनमें से कौन सी फॉर्म में जो है आयरन एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, प्लांट्स के द्वारा, तो फेरिक आयन्स जो हैं आयरन के, फेरिक आयन्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। सो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो किस में होता है, एंजियोस्पर्म्स का एक यूनिक फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स जो है वो शो करते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन को। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन से। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई ये होता है, नहीं सॉरी, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन जो है ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल। इनकी जो टर्गर प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन सा आयन प्लांट्स को ज़रूरी होता है, तो प्लांट्स में जो है पोटेशियम के प्लस आयन जो है वो ज़रूरी होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी जो है पोटेशियम आयन की ज़रूरत रहती है, जिससे कि जो प्रोटोन पम्प है वो रेगुलेट होता रहता है, और ये जो है
गार्ड सेल्स की जो टर्जिडिटी और फ्लैसिडनेस को जो है ये मेंटेन करके रखते हैं। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ, तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है जिसे हम जब भी हम लिक्विड नाइट्रोजन में कुछ स्टोर करके रखते हैं तो उसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है हाईली फ्रीजिंग होता है ये क्रायो प्रिजर्वेशन। सो -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, इनमें से कौन सा जो है एक प्रोकैरियोट नहीं है? सैक्रोमाइसिस यानी ये यीस्ट है और ये एक यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर फंजाई है ये, एंड माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, एंड ऑसिलेटेरिया एंड नोस्टॉक ये दोनों जो है साइनोबैक्टीरियाज हैं। सो सैक्रोमाइसिस जो कि यीस्ट है एंड इट इज़ अ यूकैरियोट, और बाकी सारे जो है प्रोकैरियोट्स हैं। द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर आर, शुगर के दो जो हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं? तो शुगर क्या है, बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या है ये एक कार्बोहाइड्रेट है। इसमें जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन और या फिर उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं प्रेजेंट रहेंगे शुगर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन सा जो है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है? तो लाइट रिएक्शन में एक तो क्या बनता है, ATP बनता है, NADPH बनता है, उसके अलावा ऑक्सीजन भी बनता है, NADH नहीं बनता है, ये जो है रेस्पायरेशन का प्रोडक्ट है। किसका है? श्वसन का, रेस्पायरेशन में बनता है NADH। नेक्स्ट है स्टोमेटल मूवमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई, जो स्टोमेटा का मूवमेंट है वो किससे अफेक्टेड नहीं होता है? सो लाइट का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा नहीं, ये जो है एक मिनट, लाइट का फ़र्क पड़ता है, उसका टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ता है, एंड एज वेल एज CO2 की कंसेंट्रेशन जो है ये भी अफेक्ट करती है स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को, लेकिन जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है उसका उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा O2 कंसेंट्रेशन, इसका इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, जो गॉल्जी काय है वो किसमें पार्टिसिपेट करती है? तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल्स, सिक्रेटरी वेसाइकल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोसेसिंग के बाद अपने आप को पैक कर लेती है वेसाइकल्स में, या तो फिर ये स्टोर करती है और जो स्टोरेज की तरह ये एक्ट करती है, और ये जो है ऑर्गेनेल्स जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हैं ये लाइसोसोम्स को भी जो है बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, इसमें से न्यूक्लियोलस के लिए क्या जो है ट्रू है? न्यूक्लियोलाई, लार्जर न्यूक्लियोलाई, आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, ये जो है गलत है, इट इज़ अ मैम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी गलत है, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। तो ये सही है, इसके लिए न्यूक्लियोलस जो है या फिर न्यूक्लियोलाई भी कह सकते हैं, एक लार्ज डिस्टिंक्ट स्फेरॉइड सब कंपार्टमेंट होता है न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर ऐसा जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जैसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, गोल का जो है इसका स्फेरिकल शेप होता है इसका, और ये यूकैरियोट्स के जो न्यूक्लियस है उसमें प्रेजेंट रहता है।
और राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए के सिंथेसिस की जो है ये मदद करता है, ये आरआरएनए के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है स्ट्रोमेटा इन ग्रास लीफ आर, ग्रास लीफ जो है क्या है, मोनोकॉट है। ग्रास क्या है, एक मोनोकॉट है। तो इसकी जो स्ट्रोमेटा है वो डंबल शेप की होगी। डंबल शेप स्टोमेटा रहता है इसमें। नेक्स्ट है द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। सो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लोटीन स्टेज में अलग होना शुरू हो जाते हैं। पैकेटिन जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रोमेटिड्स की क्रॉसिंग ओवर होती है, एंड देन जाइगोटिन स्टेज में सिनेप्सिस फॉर्म होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, और वो पैकेटिन तक जो है चलता है, और फिर पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होके डिप्लोटीन में जो है सेग्रीगेट हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और डाइकाइनेसिस में जो है वो कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मैम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सो पेयर्ड क्रोमोसोम्स जो है वो अलग होते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। ह्यूमन लिम्फोसाइट में एक डीएनए फ्रैगमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा वेक्टर जो है हम इसमें से यूज़ करेंगे। सो हम यूज़ करेंगे रिट्रोवायरस। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टी नेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज़ कॉल्ड। यानी एक देश के जो है बायो रिसोर्सेज को बिना उस देश के गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से पूछे बिना जो है उनका यूज़ करना बाई सम मल्टी नेशनल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बायो पायरेसी। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूजेज। इंडिया में कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएम जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेफ्टी या फिर उनको जो है लोगों के यूज़ के लिए जो है उनको सेफ्टी सर्टिफिकेट देता है। तो ये है इंडियन गवर्नमेंट ने एक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये सेटअप की है विच मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। सो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उसमें ये बेसिकली जो है थ्री सिंपल स्टेप्स होते हैं इसमें जो डीएनए सिंथेसिस के लिए होती है। पहला है डीनेचुरेशन, जो टेम्पलेट है उसका डीनेचुरेशन करते हैं सिंगल स्टैंड में इनटू सिंगल स्टैंड। फिर है एनिलेशन, एनीलिंग इसमें क्या होता है कि जो प्राइमर जो है वो ओरिजिनल स्ट्रैंड से न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फिर होता है एक्सटेंशन, जो न्यू डीएनए है उस न्यू डीएनए स्ट्रैंड का जो है एक्सटेंशन होता है फ्रॉम द प्राइमर्स। सो ये हो जाएगा डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। पीसीआर में जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये तीन प्रोसेस जो स्टेप्स हैं वो होते हैं। अब हमें यहाँ पे करेक्ट मैच जो है वो सेलेक्ट करना है। पहला
है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड में, तो राइबोसोम जो है वो एक कैटालिटिक आरएनए है। सो एक आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, तो फर्स्ट ही जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनी, दो सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू। तो एक जो वैरायटी है बासमती की, उसको अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करवाया था, पर ये जो है हमेशा से इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, सो इंडियन बासमती जो है ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच, इसमें से हमें जो है करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। सो ये जो फ्रेंकोस जैकब एंड जो मोनाड है, इन्होंने लेग ऑपरेंट कॉन्सेप्ट दिया था, ये इसमें करेक्ट है। एलेक जेफरी ने जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग दी थी, क्या दिया था, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक दी थी एलेक जेफरी ने, एंड देन मैथ्यू मिसेलसन एंड एफ स्टाल्थ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दिया था जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है। डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई एंड एल्फर्ड हर्से एंड मार्था चेज जो है उन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। तो इसमें से जो करेक्ट है वो हो जाएगा जैकब एंड मोनाड लेक ऑपरन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलिन एज फॉसिल्स, इनमें से कौन सी जो टेक्निक है जिससे पॉलिन को जो है फॉसिल्स की तरह हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि ये जो है डीजनरेट नहीं होती है एंजाइम से, स्ट्रॉन्ग एसिड से और एल्कलाई से, इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। सो स्पोरोपोलिनिन जो है किसी भी तरह से डीजनरेट नहीं होती है, तो ये हम इसकी वजह से जो है पोलिन का प्रिजर्वेशन जो है फॉसिल्स में ईजी रहता है। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, यानी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, ये किस में सबसे पहले जो है शो किया गया था। सो ये जो बैक्टीरिया है ई कोलाई, ये ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो ई कोलाई में ये हर्षे एंड मार्था ने जो है शो किया था कि ये डीएनए का जो कंजर्वेशन है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। नेक्स्ट है, इनमें से हमें रॉन्गली मैच पता करना है। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है कोडोमिनेंस बिल्कुल सही है, टी एच मॉर्गन ने लिंकेज दिया था ये भी सही है, एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर ये भी सही है, बट द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी इज नॉट कंट्रोल्ड बाई मल्टीपल एलील्स, बट ये जो है प्लियोट्रॉपिक जीन से कंट्रोल रहता है। प्लियोट्रॉपिक जीन्स जो हैं ऐसे जीन्स होते हैं जो अपना इन्फ्लुएंस देते हैं दो या दो से ज़्यादा जो अनरिलेटेड फिनोटाइपिक ट्रेट्स हैं उन पर, यानी एकदम अनरिलेटेड जो फिनोट्रॉपिक ट्रेट है उस पर अपना इफेक्ट शो करेंगे, वो होता है प्लियोट्रॉपिक जीन्स। तो ये जो स्टार्च सिंथेसिस है इन पी, ये इट इज़ कंट्रोल्ड बाय प्लियोट्रॉपिक जीन्स नॉट बाय मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट है, ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट जो है वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ऑफसेट जो है वो एक स्मॉल छोटा सा और वर्चुअली कंप्लीट जो है डॉटर प्लांट होता है, जो कि एक मदर प्लांट से नेचुरली और एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है। सो ये क्लोन होते हैं एक तरह से, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं अपनी मदर से, मदर प्लांट से।
सो ऑफसेट्स जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट का. सो ये माइटोसिस से प्रोड्यूस होते हैं. किससे? माइटोटिक डिवीजन से. बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नेचुरली रिप्रोड्यूस किया जाता है, सिमिलर टू अ क्लोन. सो ये माइटोटिक डिवीजन होता है ऑफसेट प्रोड्यूस करने के लिए. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमें सेलेक्ट करना है. फ्रैंकलिन स्टाल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज. नहीं, ये गलत है. इन्होंने प्रूव किया था जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है रेप्लिकेशन का. ठीक है, नेक्स्ट है पुनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाई ए ब्रिटिश साइंटिस्ट. तो ये बिल्कुल सही है. पुनेट स्क्वायर जो है वो पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसमें जो नंबर एंड वैरायटी है जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वो हम शो करते हैं. सो करेक्ट स्टेटमेंट जो है सेकंड हो जाएगा इसमें. एंड दिस स्प्लाइसोसोम्स जो है वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये उसका पार्ट है ये. एंड ट्रांसडक्शन जो है वो डिस्कवर किया था किसने? जिंडर एंड लेडोबर्ग ने. सो ये भी गलत है, ये भी गलत है. बट पुनेट स्क्वायर वाज डिस्कवर्ड बाय ए ब्रिटिश साइंटिस्ट पुनेट, तो उन्हीं के नाम पे जो है ये रखा गया. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, यानी इनमें से कौन सा जो है जो पौधा है वो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार जो है उसमें फूल आते हैं? तो ये है बैम्बू स्पीशीज जो रहती हैं उनमें एक ही बार जो है फ्लावरिंग होती है. ये मोनोकार्पिक प्लांट जो होते हैं उनमें फ्लावर्स जो है और एंड ये सीड प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ एक बार बिफोर डाइंग, जैसे बैम्बू है. और पॉलीकार्पिक प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली मोर देन वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे जैक फ्रूट, पपाया एंड मैंगो है. सो बैम्बू स्पीशीज में सिर्फ एक ही बार जो है सीड्स एंड फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेच इज, तो ये होता है फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स. ये जो टर्म है ये दिया था जोसेफ ग्रिनेल ने इन 1917. इन्होंने नेच जो टर्म है दिया था, और इन्होंने कहा था कि ये इनको इसको यूज़ किया था लार्जली इक्विवेलेंट टू अ स्पीशीज हैबिटेट. इट रिफर्स टू द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स. जहाँ रहता है वहाँ पे जो उसका फंक्शनल रोल है, जो एक ऑर्गेनिज्म प्ले करता है, उसे हम नेच कहते हैं. नेक्स्ट है इन स्टेटोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज द मॉलिकुलर ऑक्सीजन. इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो ओजोन के डिग्रेडेशन में डिग्रेडेशन करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और जो हेलोजिनेटेड ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन. तो क्लोरीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसमें फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डेटा. इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर जो है उसका वेट दे रखा है हमको, प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का जो है वेट दे रखा है. तो ये वेट जो है लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है एंड देन दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर और ये है सेकेंडरी कंज्यूमर. सो ये वेट जो है लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. सो
ये क्या होगा, इन्वर्टेड पिरामिड है ऑफ बायोमास, इट विल गिव अस इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें ये यूजुअली जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो ओशियंस वाला इकोसिस्टम है या पॉन्ड रिवर्स वाला इकोसिस्टम है, उसमें होता है। एंड अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास एंड नंबर इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो कम होते हैं हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर से, और प्राइमरी कंज्यूमर्स और कम होंगे किससे, सेकेंडरी कंज्यूमर से। सो ये जो है इन्वर्टेड पिरामिड होगा बायोमास का, और एनर्जी का पिरामिड जो है हमेशा अपराइट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा जो है एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट एयर के क्या होते हैं, जो डायरेक्टली इमिट होते हैं फ्रॉम द सोर्स, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है वो इनडायरेक्टली इमिटेड होते हैं, यानी उनको सीधा सीधा जो है एयर में इमिट नहीं किया जाता है। सो इसमें क्या होगा, जो ओजोन है दैट इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 एंड SO2 ये डायरेक्टली जो है इमिट होते हैं, डायरेक्टली छोड़े जाते हैं एयर में। सो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होंगे, एंड ओजोन इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। वर्ल्ड ओजोन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हमेशा, 16 सितंबर को, और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, एंड 21 अप्रैल को जो है इंडिया में सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, और नेशनल येलो बैट डे भी मनाया जाता है, एंड 22 अप्रैल को जो है वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नेटालिटी रिफर्स टू, नेटालिटी जो है वो होता है बर्थ रेट होता है विद इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट है उसे हम नेटालिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, मैच करना है हमको कॉलम में, यहाँ हमें दो कॉलम दे रखे हैं। सो पहला है हर्बेरियम, हर्बेरियम जो है वो होता है जो ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस जो होते हैं वो हर्बेरियम में रखे जाते हैं। सो इसका हो जाएगा थर्ड, हो जाएगा हर्बेरियम, अ प्लेस वे ड्राइड एंड प्रेस प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन शीट्स आर केप्ट, जो शीट पेपर शीट रहती है उसमें हम जो है पौधों के जो है लीव्स वगैरह को सुखा के और चिपकाते हैं, तो वो होता है हर्बेरियम। एंड देन की जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है ऑफ वेरियस टेक्सास, एंड म्यूज़ियम जो होता है वहाँ पे प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और भी बहुत सारे तरीके की जो चीज़ें रखी जाती हैं म्यूज़ियम में, एंड कैटलॉग जो है एक अल्फाबेटिकल लिस्टिंग होती है स्पीशीज़ की। सो म्यूज़ियम का हो जाएगा, एंड हर्बेरियम जो है इट्स अ प्लेस, एंड देन कैटलॉग है बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड की अ लिस्ट दैट इन्यूमरेट्स मैथोडोलॉजिकली ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें रॉन्गली मैच फाइंड करना है। तो बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट जो है ब्राउन एल्गा में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्लोरेला, एंड गीमा कप जो है वो मर्केंशिया में पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में, बट यूनिफ्लैजेलेटेड गैमेट्स जो है वो पॉलीसाइफोनिया में नहीं पाए जाते हैं। पॉलीसाइफोनिया एक जीनस है फॉर रेड एल्गा का, जो लाल कलर के जो शैवाल होते हैं उनका है ये, और इनके जो गैमिट्स होते हैं वो ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, और गैमिट्स इनके नॉन मोटाइल होते हैं या फिर नॉन फ्लैजेलेटेड्स होते हैं, उनमें फ्लैजुला नहीं प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट जो है इसका अनमैच हो जाएगा, रॉन्गली मैच चाहिए। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाई मियोसिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्जोजिनसली इन, तो जो स्पोर्स हैं वो एगैरिकस में एक्जोजिनसली प्रोड्यूस होंगे, पहले कैरियोगैमी होगा, मियोसिस होगा, फिर कैरियोगैमी होगा, और स्पोर्स जो है वो एक्जोजिनसली प्रोड्यूस होंगे इन एगैरिकस,
ये बेसिडोमाइसिटीज का एक जो है जीनस बेसिडोमाइसिटीज का है ये, और इसमें ये एग्जोजेनियसली जो है प्रोड्यूस होते हैं एगेरिकस में। विंड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, यानी जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं। किस में? तो विंग पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन पाइनस, क्योंकि ईच पॉलन ग्रेन हैव टू विंग लाइक स्ट्रक्चर विच अनेबल इट टू फ्लोट इन एयर एंड अडेप्टेशन फॉर डिस्पर्जल बाई विंड। तो इस तरह से जो पॉलन ग्रीन रहते हैं उनमें यहाँ विंग्स रहते हैं, और वो हवा में जो है उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट जाते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। न्यूमेटोफोर्स अकर इन, न्यूमेटोफोर्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे पेड़ों में पाए जाते हैं जो कि कोस्टल रीजन में उगते हैं, जहाँ का पानी जो है सॉल्टी रहता है, ऐसे रीजन में जो ये पाए जाते हैं। तो जो हेलोफाइट्स हैं, जो मैनग्रूव्स होते हैं, उनमें ये स्पेशलाइज्ड जो है रूट्स होती हैं जो कि रेस्पायरेशन के लिए हेल्प करती हैं, जिनकी मड जो है वो सलाइन मड रहती है, जहाँ पे वहाँ पे ये पाए जाते हैं, और ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एक एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, ऐसे प्लांट जिनमें या तो थोड़ी सी जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती हो या बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है, तो ये जो होता है मोनोकॉट्स में होता है बेसिकली, क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है एंड कैम्बियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सो यहाँ पे जो मोनोकॉट का एग्जाम्पल है ग्रासेस, और इनमें क्या नहीं पाया जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। और पाम जो है वो एक मोनोकॉट एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है कहाँ पे होती हैं? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है एक बैंड है जो कि सेल वॉल में पाई जाती हैं, मटेरियल डिपॉजिट इन रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। सो कैस्पेरियन जो है वो स्ट्रिप्स जो है वो सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती हैं, मतलब बेसिकली मोस्टली जो है सुबेरिन की बनी होंगी, लेकिन कभी कभी वो जो है किसकी बनी होती हैं, लिग्निन की भी बनी होती हैं, और ये मोस्टली जो है एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, सो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम जो है डाइकॉट्स में वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से हमें जो है रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, बिल्कुल सही है, इनमें जो है सेल वॉल पाई जाती है, एंड फंजाई की जो होती है वो काइटिन की बनी रहती है। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडोमाइसिटीज, ये भी बिल्कुल सही है। माइट्रोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा, ये भी बिल्कुल सही है। सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोवंस, तो सूडोपोडिया जो है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं किसमें, सार्कोडीन्स में, यानी अमीबॉइड जो है अमीबा वगैरह में ये पाया जाता है। सो ये स्पोरोजोन्स में तो नहीं है, ये इसका रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसका जो है सही आंसर, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था, तो फोर्थ जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से इस कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाई ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स, ये बिल्कुल सही है, जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं या जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, उनमें ओवरी वॉल नहीं होता है। फर्स्ट ही जो है करेक्ट हमें बताना था, बाकी के सारे इसमें रॉन्ग हैं। स्वीट पोटैटो इज़ मॉडिफाइड, जो स्वीट पोटैटो है शकरकंद जो है वो क्या होता है, तो ये एक तरह की रूट है, एडवेंटिशियस रूट होती है ये मॉडिफाइड, जिसमें फूड जो है वो स्टोर होके रहता है, एंड राइजोम्स जो हैं वो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। ओके, ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है। टैप रूट जो है
वो प्राइमरी रूट है, जो कि रेडिकल से बनती है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।